आईटीआई डीके सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी प्रशिक्षणार्थियों का हार्दिक स्वागत है। आज के प्रैक्टिकल में स्किल टेस्ट में बार बार पूछे जाने वाले प्रैक्टिकल के बारे में चर्चा करेंगे। प्रैक्टिकल है ट्यूब लाइट। प्रैक्टिकल का नाम है ट्यूब लाइट, साधारण ट्यूब लाइट की टेस्टिंग करना और उनका संयोजन करना। संयोजन के अंदर इस प्रैक्टिकल में अपन करेंगे साधारण ट्यूब लाइट की टेस्टिंग और साधारण ट्यूबलाइट का सिंगल ट्यूबलाइट का कनेक्शन, उसके बाद में साधारण दो ट्यूबलाइटों का पैरेलल संयोजन और सीरीज संयोजन, ठीक है। बाकी आपको ये ट्यूबलाइट है, इसमें जितने भी इसमें सामान लगता है, जैसे ये स्टार्टर हो गया, ये इसका चौक हो गया, एक होती है ट्यूब होल्ड बोर्ड ट्यूब, ये ट्यूब, इनकी टेस्टिंग आपको आनी चाहिए कि इसमें ये जो स्टार्टर लगा हुआ है ये सही है या खराब है, इसमें चोक लगी हुई है सही है या खराब है। इसमें स्टैंड का तो कुछ नहीं बिगड़ता, इसको बोलते हैं ट्यूबलाइट स्टैंड। इसमें तो ये ट्यूबलाइट होल्डर लगे होते हैं, बाकी इसका कुछ नहीं बिगड़ता है। बिगड़ने वाला सामान कौन सा है? खराब होने वाला स्टार्टर हो गया, चोक हो गया, ट्यूब हो गई। इसमें ज़्यादा ज़्यादा ये होल्डर खराब हो जाते हैं, तो होल्डर चेंज हो जाते, होल्डर इतने खराब भी नहीं होते हैं। अब ट्यूब, चोक और स्टार्टर, इसकी टेस्टिंग कैसे की जाती है वो मैं आपको बताऊं। सीरीज टेस्ट लैंप लेना आपको, सीरीज टेस्ट लैंप लेने के बाद बारी बारी से अपन करेंगे टेस्ट, पहले करेंगे ट्यूब की, उसके बाद में करेंगे स्टार्टर की, उसके बाद में करेंगे चोक की। ये ट्यूब है, ट्यूब के दोनों साइड में सीरीज टेस्ट लैंप लेना है। सीरीज टेस्ट लैंप को आपस में जो लीड लगी होती है उसको टच कर लेना है, चालू है। अब दोनों जो एक साइड के जो ये जो इसका फिलामेंट है, दो इलेक्ट्रॉन निकले हुए हैं, इस पर आपको लगा देना है, तो इसमें लैंप भी जलेगा, लैंप भी जलेगा और थोड़ी रोशनी इस फिलामेंट से भी आएगी। अगर ये आपको ये वाइट है, इसके अंदर गैस भरी हुई पाउडर है, इसमें नहीं दिख रहा, तो आपका लैंप जलेगा। जब लैंप कब जलेगा? जब आपकी ट्यूबलाइट सही होगी तब। तो इसको अपन करते हैं कनेक्ट, लैंप जल रहा है सीरीज लैंप, तो इसका मतलब है सही है। उस साइड का भी करते हैं अपन, इसमें भी जल रहा है, तो ये भी फिलामेंट सही है। फिलामेंट टेस्टिंग हो गई, फिलामेंट है इसके अंदर जलने वाला। दो नंबर पे लेंगे अपन ये स्टार्टर है, स्टार्टर लेंगे, स्टार्टर के दोनों टर्मिनल पे लगाएंगे। अब इसमें देखो ये लैंप टिप टिप आएगा, टिप टिप मारा ना, तो अपना स्टार्टर सही है। अगर लैंप नहीं टिप टिप आएगा तो खराब है, लैंप अगर नहीं जलेगा तो भी ये क्या है, खराब है स्टार्टर। अब लेंगे अपन चौक, चौक के दोनों टर्मिनल पर सीरीज टेस्ट लैंप के दोनों टर्मिनल लगाएंगे तो लैंप कम जलेगा, कम जला। अगर लैंप फुल जलेगा, लैंप नहीं जला तो खराब है, अगर लैंप जल रहा है और कम जल रहा है तो ये मान लेना कि अपनी चौक सही है, ठीक है। स्टार्टर की भी टेस्टिंग कर ली, ट्यूब की भी हो गई और चौक की भी हो गई। अब इसका कनेक्शन करना आपको, कनेक्शन करके ये चालू करके देखनी है। तो कनेक्शन करने से पहले आपको मैं इसका सर्किट समझाता हूँ, उसके बाद में अपन कनेक्शन करेंगे और इसको चलाएंगे। पहले सर्किट समझो। प्रैक्टिकल है अपना साधारण ट्यूबलाइट का कनेक्शन। साधारण ट्यूबलाइट में एक तो लगा रहे हैं अपने स्टार्टर, ये स्टार्टर है, स्टार्टर में दो टर्मिनल निकल रहे हैं, ठीक है, और एक है ट्यूब, ये हो गई ट्यूब। ट्यूब के अंदर दोनों साइड में लगे हुए हैं फिलामेंट, फिलामेंट से दोनों दो इलेक्ट्रोड निकल रहे हैं, टर्मिनल निकल रहे हैं, ठीक है। ये तो हो गई ट्यूब, ये हो गया स्टार्टर, और एक लगी हुई है चौक, ये है चौक। चौक से भी दो कनेक्शन पॉइंट निकलते हैं,
इसमें भी ये भी एक कवायल है, कवायलों यही समान है। अब आपको इसका कनेक्शन कैसे करना है वो देखना है। एक तो लेना आपको फेज वायर और एक लेना आपको न्यूट्रल वायर। फेज उठाना है और चौक के एक टर्मिनल में लगा देना, ठीक है। चौक से दूसरा टर्मिनल बचा हुआ है वहां से फेज निकालना है और ट्यूबलाइट के एक साइड में एक इलेक्ट्रोड में लगाना, ठीक है। न्यूट्रल उठाना है और ट्यूबलाइट के दूसरी साइड में जो फिलामेंट से इलेक्ट्रोड निकला है उसमें लगा दे। अब एक इस साइड में बच गया फिलामेंट का इलेक्ट्रोड, एक इस साइड में बच गया। इन दोनों को क्या करना है, इस स्टार्टर से कनेक्ट कर देना है। इसको इस पॉइंट से मिला दो और इसको इस पॉइंट से। ये हो गया साधारण ट्यूबलाइट का कनेक्शन। फेज वायर लिया, चौक में दिया, चौक से निकाला और ट्यूब के एक टर्मिनल में दे दिया। न्यूट्रल वायर लिया, ट्यूब के दूसरे टर्मिनल में दे दिया। अब एक साइड एक एक टर्मिनल बचा हुआ है, उससे दो वायर निकालेंगे और ये दोनों कहाँ जोड़ देंगे, स्टार्टर में जोड़ देंगे। आ गया समझ में? ये है स्टार्टर, यह एक चौक, यह है ट्यूब, ठीक है। फेज और न्यूट्रल सप्लाई देकर अपने इसको आप चलाएंगे, दिखाएंगे आप। यह ट्यूब, इस ट्यूब को इस स्टैंड में फिट कर दिया गया है। यहाँ होल्डर लगे होते हैं साइड में, तो ट्यूब के दोनों जो टर्मिनल हैं एक साथ फंसाकर इसको थोड़ा घुमा देना ताकि उसके टर्मिनल में सही वो सेट हो जाए, निकल नहीं पाए। अब इस इलेक्ट्रोड से ये फिलामेंट से दो इलेक्ट्रोड के वायर निकल गए और एक फिलामेंट ये इससे भी दो वायर निकल गए। तो आपको क्या करना है, एक एक तो वायर लेना है, इसमें एक वायर और लगाओ जोड़ो, इसके दोनों साइज बढ़ा दो इसकी वायर की। नहीं तो छोटा रहेगा ये। अब दोनों फिलामेंट से एक फिलामेंट के दो वायर तो ये हो गए, दूसरे फिलामेंट के दो वायर ये हो गए, दोनों साइड से दो दो वायर निकल रहे हैं। अब एक एक वायर को तो आपको छोड़ देना है, ठीक है। अब एक तो इस साइड से लेना, एक इस साइड, दोनों के बीच में क्या लगा देना है, स्टार्टर लगा देना। अब एक एक टर्मिनल तो हो गया बुक, अब लगाना है आपको इसमें चौक। ये स्टार्टर लगा दिया गया, अब चौक लगाना है तो एक वायर उठाना, ये दे दो मेरे को, ये अपन लेते हैं फेज वायर, ठीक है। फेज वायर लेंगे और चौक में लगा देंगे, ठीक है। चौक से दूसरा वायर निकालेंगे, ये तो फेज का हो गया एक तो, और ये निकालेंगे, ये किसी भी जो एक साइड का जो एक टर्मिनल खाली बचा है उसमें लगा दें, ठीक है। अब दूसरी साइड में भी एक बचा है, उसको तो देंगे न्यूट्रल और इसको देंगे फेज। अब फेज को तो फेज में लगाओ, न्यूट्रल को न्यूट्रल में लगाओ। स्विच ऑन करो, जल जाएगी, जल जाएगी आराम। ट्यूब होल्डर वो लेके आवा, ट्यूब। अब अपनी वायरिंग कंप्लीट हो गई इसकी, अपन देंगे इसको सिंगल फेज सप्लाई। सप्लाई कहाँ देना है, न्यूट्रल को न्यूट्रल, फेज को फेज। सप्लाई देंगे और सप्लाई का स्विच ऑन करेंगे तो ट्यूबलाइट जलेगी। आ गई, छोड़ो, जल गई।
ये होता है साधारण ट्यूबलाइट का कनेक्शन। अब इससे अगला प्रैक्टिकल होगा दो साधारण ट्यूबलाइट को पैरेलल में संयोजित करना, ठीक है, पैरेलल में किस प्रकार जोड़ी जाती हैं दो ट्यूबलाइट। तो अगला प्रैक्टिकल अपन करेंगे, ये प्रैक्टिकल समझ में आ गया, तो मैं अगला प्रैक्टिकल आपको पैरेलल संयोजन करना सिखाऊं। थैंक यू।